यह सात बातें ध्यान में रखिए, आपको जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा एवं आप हमेशा सुखी रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें। तो चलिए, वह सात बातें कौन सी हैं, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक पर्वतीय क्षेत्र में अनंत विष नाम का एक बूढ़ा सर्प रहता था। वह सर्प बहुत ही बूढ़ा हो जाने के कारण शिकार करने में असमर्थ था। इसी कारणवश पर्याप्त भोजन न मिलने से उसका शरीर भी कमजोर हो चुका था। एक दिन उस सर्प ने विचार किया कि बिना परिश्रम किए ही अब भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसने एक युक्ति लगाया। वहीं पर पास में एक तालाब था जिसमें मेढकों का झुंड वास करता था। तो वह सर्प वहां पर पहुंचकर इधर उधर घूमने लगा। सर्प को इधर उधर घूमते हुए एक मेढक ने देखा तो उस मेढक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह डरते हुए सर्प के पास गया और कहने लगा, हे सर्प, मैं मेढकों का मुखिया हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हो। सर्प ने करुण स्वर में कहा, हे मेढकों के मुखिया, मैं एक शापित सर्प हूँ। मेरा दुर्भाग्य अब मेरे साथ चल रहा है। इतना कहकर सर्प रोने लगा। मेढक को सर्प की यह दशा देखकर उसको सर्प पर दया आ गई। मेढक ने कहा, क्या कारण है कि आप दुखी हो, कृपया मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। धूर्त सर्प ने अपना माया जाल फैलाया और बोला कि अब मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए तुम चिंता ना करो, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया है, उसी श्राप का फल मैं भोग रहा हूँ। मेढक ने फिर कहा, आखिर बात क्या है, पूर्ण बातों को बताओ। सर्प ने कहा, कुछ दिन पहले मैंने एक मेढक को देखा। मैंने उसका शिकार करने के लिए पीछा किया, किंतु वह मेढक एक साधु की कुटिया में चला गया। साधु ध्यान में डूबे हुए थे। वह मेढक साधु के पैरों के नीचे बैठ गया। मैंने धोखे से मेढक की जगह साधु के पैरों में डस लिया, जिससे साधु का ध्यान टूट गया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि तूने जीवन भर मेढकों का शिकार करके उनको अपना भोजन बनाया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब तेरी मृत्यु जल्द ही हो जाएगी। तूने जीवन भर मेढकों को परेशान किया, इसलिए अगर अब तू अपना सदगति चाहता है तो जब तक तू जीवित है तब तक मेढकों को तू अपने पीठ पर बैठा कर उनको सैर करवा। इसलिए मैं इस तालाब के पास चला आया, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। दोस्तों, वह मेढक उस धूर्त सर्प की झूठी बातों पर आ गया। वह मेढक बहुत प्रसन्न हुआ। वह मेढक सोचने लगा कि हम सभी मेढकों का भाग्य उदय हो गया जो सर्प की सवारी करने को मिलेगा। उस मेढक ने सभी मेढकों को इन बातों को बताया। सभी मेढक बहुत प्रसन्न हुए। सभी मेढक सर्प के पास आए और सभी बारी बारी से सर्प की पीठ पर बैठकर प्रसन्नता के साथ उछल कूद करने लगे। सर्प ने उस समय किसी को भी तंग नहीं किया। उस सर्प ने मेढकों को तरह तरह के करतब को दिखाया। पूरा दिन व्यतीत हो गया। सर्प की कोमल त्वचा पाकर सभी मेढक बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन जब मेढकों का मुखिया सर्प की पीठ पर बैठा तो सर्प से चला नहीं गया। सर्प की इस हालत को देखकर मेढक ने कहा, क्या बात है, आप चल नहीं पा रहे। सर्प बोला, बहुत दिन से कुछ भोजन न करने के कारण मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, अब शरीर में शक्ति नहीं बची। मेढकों के मुखिया ने कहा, हे सर्प, आप साधारण कोटि के छोटे मोटे मेढकों को खा सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार सर्प को बिना परिश्रम के ही प्रतिदिन भोजन प्राप्त होने लगा। किंतु वह मेढकों का मुखिया यह नहीं समझ पाया कि वह अपने सुख के लिए अपने ही वंश का धीरे धीरे विनाश कर रहा है। धीरे धीरे सभी मेढकों को खाने के बाद एक दिन ऐसा आया कि उस सर्प ने मेढक के मुखिया को भी खा लिया, जिससे उस तालाब में रहने वाले सभी मेढकों का संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। मित्रों, जो अपने हितैषियों की रक्षा नहीं कर पाते
वो अपने साथ ही अपने वंश के नाश का कारण बनते हैं। मनुष्य को यह जानना अति आवश्यक है कि कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा और मेरे परिवार का अहित करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे हमेशा रुष्ट रहे और एकाएक आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे तो समझ जाइए कि इसमें उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, इसलिए उससे सतर्क हो जाइए। अगर कभी भी आपके घर परिवार में किसी के बीच अनबन हो जाए तो प्यार से उसका निवारण करिए। अपने घर परिवार की बुराई किसी और से कभी मत करिए, क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको उचित सलाह तो नहीं देते, बल्कि अगर आपके घर परिवार में झगड़े हुए हैं तो दूसरे व्यक्ति उनका फायदा उठाकर आनंद लेते हैं। इससे आपकी ही छवि खराब होती है, जो ये जीवन की सच्चाई है। शत्रु कैसा भी हो, वह शत्रु ही होता है। उसकी मीठी मीठी बातों पर जो विश्वास कर लेते हैं, उनका हाल वैसे ही होता है जैसे इस कहानी के मेंढकों का हुआ। इसलिए शत्रुओं पर कभी विश्वास ना करें। जो लोग अपने हितैषियों को छोड़कर दूसरों से मिल जाते हैं, वो उसी प्रकार के अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा की तरह ही नष्ट हो जाते हैं। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता। आप चाहे उसकी शिखा से उसकी जड़ तक शहद ही क्यों न छिड़क दें, इसी तरह दुष्ट व्यक्ति में कभी भी पवित्रता नहीं आ सकती, चाहे आप उसे कितना भी समझा लो। इसलिए जो आपका अहित सोचते रहते हैं, जो दुष्ट हैं, उन्हें पहचानिए और उनसे दूरी ही बनाए रखिए। इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कृपया एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।